दोस्तों, मैं शिवम कुमार ढिलोर और आज मैं आपको बताऊंगा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है जब अपना डाटा या अपने को इंस्ट्रक्शन या अपने को इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं, उसे ट्रांसमिशन बोलते हैं। यह ट्रांसमिशन तीन तरह के डायरेक्शन में होता है, एक सिंप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स, एक फुल डुप्लेक्स। आइए उसके बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन जिसमें पहला होता है वो होती है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स में क्या होता है, हम अपना डाटा सिर्फ सेंड कर सकते हैं, वहां से कुछ रिसीव नहीं कर सकते। जैसे रेडियो में होता, हम रेडियो सिर्फ सुन सकते हैं, उसे कुछ भेज नहीं सकते। हमारा टीवी होता है, हम टीवी सिर्फ देख सकते हैं, उसे कुछ सेंड नहीं कर सकते, उसे कुछ दिखा नहीं सकते। ऐसे ही हमारा कीबोर्ड हो गया, हम कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन सिर्फ अपने सीपीयू तक सेंड कर सकते हैं, वहां से रिसीव नहीं कर सकते। माउस से भी सिर्फ सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ अपना डाटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते। और क्या जो दूसरा आता है वो होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हम अपना डाटा जिसी को सेंड करते हैं तो वो होल्ड पे रहता है, फिर जो मैं सेंड करता हूँ उस टाइम पे हम होल्ड पे रहते हैं। मतलब जैसे हमने कोई डाटा किसी को सेंड कराया तो वो डाटा पहले रिसीव करेगा, उसे रीड करने के बाद हमें बाद में दोबारा डाटा सेंड करेगा, यानी रिप्लाई करेगा। तो ये वन बाय वन होता है, यानी जब हम उसे सेंड करेंगे तो वो होल्ड पे रहेगा और जब वो हमें सेंड करेगा तो हम होल्ड पे रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी यहाँ से डाटा सेंड करते हैं और वो भी उस साइड से डाटा सेंड करते हैं। तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स। उसके जो तीसरा आता है वो होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में हम दोनों साइड से डाटा रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल आपको दूं तो हमारा फोन, मान लीजिए हम मोबाइल में फोन में कॉल करते हैं, तो कॉल करने पर हम बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वही सामने वाले भी कर सकता है, वो सुन भी सकता है, बोल भी सकता है। हम मैसेजिंग करते हैं, किसी को मैसेज हम सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं एक ही टाइम पर। तो इसमें क्या होता है, हम दोनों साइड से एक ही बार में रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें वन बाय वन होता है और इसमें सिर्फ एक ही साइड से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक सा एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया है, रेडियो, टीवी, कीबोर्ड, माउस। इसका एग्जाम्पल होता है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, मान लीजिए वॉकी टॉकी हमारा एक और ये हमारा दूसरा वॉकी टॉकी है। जब हमारा ये वॉकी टॉकी इसे सेंड करेगा तो ये सुनेगा, उसके बाद ये वॉकी टॉकी इसे कुछ बोलेगा और ये सुनेगा। तो ऐसे ये वन बाय वन करते हैं। इसका एग्जाम्पल वॉकी टॉकी हो गया, और इसी एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं, आपका मोबाइल हो गया, आपके व्हाट्सएप करने के लिए कुछ हो गया, आपकी मेल वगैरह हो गई, आपकी फेसबुक हो गई जो आप यूज करते हैं, उसमें भी आप दोनों साइड से कर सकते हो। तो ओके, आई होप आपको सब पता चल गया होगा कि डायरेक्शन ट्रांसमिशन क्या होती है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको काफी कुछ बताऊंगा जो आपके काम आएगा नेटवर्किंग में। ओके, थैंक यू गाइस, सी यू।